यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए जिनको AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तो आप काफ़ी आसानी से AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो आप उसकी मदद से भी फ्री ट्रायल अकाउंट बना सकते हो। हालांकि फ्री ट्रायल अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड यूज़ करना काफ़ी सेफ होता है, क्योंकि उसे आप काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर सकते हो जिससे आपका ऑटो पेमेंट नहीं कटेंगे। अगर आपके पास वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अगर आप जानना चाहते हो आप किस तरीके से अनलिमिटेड वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाओगे तो उसके लिए एक मेथड है। आप गूगल पर अगर सर्च करोगे कुछ इस तरीके से मेरे चैनल का नेम तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा वेबसाइट खुल जाएगा, और आप यहाँ पर क्लिक करोगे और मेथड्स तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड का मेथड। आप इस मेथड की मदद से अनलिमिटेड वर्चुअल डेबिट कार्ड बना सकते हो, फिर आप अलग अलग जगह फ्री ट्रायल अकाउंट बनाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप किस तरीके से AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट बनाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में अगर सर्च करोगे, जिसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हो लाइक क्रोम एंड फायरफॉक्स, आपकी मर्जी, आप जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल करना चाहो उसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर अगर सर्च करोगे AWS, देन करोगे एंटर, फिर करोगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा फ्री ट्रायल नाम से। हमें यहीं पर क्लिक करना है, देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ फ्री अकाउंट, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट एन AWS अकाउंट। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ फ्री अकाउंट, आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएंगे। हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाने के लिए अपना ईमेल आईडी एंटर करना होगा, फिर यहाँ पर हम टाइप करेंगे नेम, जो नेम हमें AWS अकाउंट में चाहिए वही नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं अपना ईमेल आईडी, इसे हम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट, देन यहाँ पर टाइप करेंगे नेम, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कैप्चा आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो कैप्चा है हमें यहाँ पर इसे फिल करना होगा। अगर आपको कैप्चा समझ में ना आए तो यहाँ पर क्लिक करोगे और ये हो जाएंगे चेंज। चलिए यहाँ पर इस कैप्चा को हम टाइप करते हैं, आपको भी इसी तरीके से टाइप करना है। आपके केस में कैप्चा डिफरेंट होंगे, हमारे केस में डिफरेंट है। देन यहाँ पर क्लिक करोगे सबमिट, फिर आपके जीमेल आईडी में OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पर करोगे फिल। जीमेल आईडी को ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से खोल लोगे मेल को, देन इसे करोगे कॉपी Ctrl+C, देन यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पेस्ट, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई। अगर OTP ना आए तो आपको कुछ सेकंड वेट करना है, तो यहाँ पर रिसेंट कोड का ऑप्शन आ जाएगा। हमारे केस में OTP आ चुका है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं वेरीफाई। फिर यहाँ पर हमें सेट करना है पासवर्ड, हम अपने AWS अकाउंट का क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं वही पासवर्ड यहाँ पर हमें सेट करना है। अपने हिसाब से यहाँ पर पासवर्ड चूज़ कर लीजिए, फिर यहाँ पर दोबारा सेम पासवर्ड को टाइप करेंगे ताकि ये हो जाए कन्फर्म, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे, हमें यहाँ पर करना है इसे नेवर। यहाँ पर हम चूज़ करने वाले हैं पर्सनल यूज़। अगर आप अपना बिजनेस या फिर कोई बड़ा वर्क के लिए फ्री ट्रायल अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे बिजनेस, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन के लिए हमें सेलेक्ट करना है पर्सनल। देन यहाँ पर टाइप करेंगे अपना फुल नेम, फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपना कंट्री कोड, आप जिस कंट्री से हो यहाँ पर अपना कंट्री का नेम टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा यहाँ पर कंट्री कोड। फिर यहाँ पर कर लोगे सेलेक्ट, यहाँ पर टाइप करोगे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे अपना रीजन यानी कि अपना कंट्री, फिर से हमें यहाँ पर टाइप करना है अपना कंट्री का नेम तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका कंट्री आ जाएंगे। फिर करोगे नीचे स्क्रोल, यहाँ पर टाइप करेंगे अपना एड्रेस, ये एड्रेस लाइन 1 है, इसे आपको टाइप करना होगा, लेकिन आप एड्रेस लाइन 2 को छोड़ सकते हैं या फिर इसमें भी कुछ टाइप कर सकते हो। फिर यहाँ पर टाइप करोगे सिटी का नेम, यहाँ पर अपना स्टेट, यहाँ पर टाइप करोगे अपना पोस्टल कोड, फिर यहाँ पर इसे करोगे चेक मार्क, देन यहाँ पर क्लिक करोगे कंटिन्यू। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएंगे नोटिफिकेशन, इसे कर दोगे आप नो थैंक्स। यहाँ पर आप टाइप करोगे अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको यहाँ पर टाइप करना है अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का 16-डिजिट नंबर। फिर यहाँ पर सेलेक्ट करोगे एक्सपायरी डेट, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करोगे अपना ईयर, जो भी आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट होंगे। फिर करोगे नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से, यहाँ पर टाइप करेंगे CAV, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे कार्ड होल्डर नेम, यानी कि आपके कार्ड में जो नेम है वही नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद फिर से करेंगे हम नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर हमारा जो बिलिंग एड्रेस होगा, जो हम एड्रेस वहाँ पर टाइप किए हैं वही एड्रेस यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट, या फिर आप कोई अदर एड्रेस भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पर हमें चूज़ करना है नो, क्योंकि हम पैन कार्ड के थ्रू नहीं करने वाले हैं। पैन कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पैन कार्ड को ना चूज़ करें। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा वोटर कार्ड का, हम वोटर कार्ड के थ्रू यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे नो, फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपके बैंक से 2 रुपये कट होने के लिए
OTP चला जाएगा आपका मॉलमर पर, वही OTP यहाँ पर फिल करेंगे। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे कन्फर्म एंड पे, फिर यहाँ पे इसे कर देंगे नेवर और यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे तो फिर रिडायरेक्ट होकर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाएंगे। बस आपको वेट करना है, आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। यहाँ पर आपको भी करना है चेक मार्क ताकि आपका नेम हो जाए सेलेक्ट। फिर यहाँ पर हम चूज़ करेंगे आखिर AWS अकाउंट को किस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिजनेस यूज़, गवर्नमेंट सर्विस, पर्सनल यूज़ या फिर किसी अदर काम के लिए। यहाँ पर हम चूज़ करने वाले हैं पर्सनल यूज़। फिर यहाँ पर हम चूज़ करेंगे इंडिविजुअल, करेंगे नीचे स्क्रॉल, फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे वोटर आईडी और यहाँ पर टाइप करेंगे वोटर आईडी कार्ड का नंबर, या फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहो उस डॉक्यूमेंट को दे सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए वोटर आईडी। यहाँ पर टाइप करोगे वोटर आईडी का नंबर, देन इसे करोगे चेक मार्क, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे कंटिन्यू। फिर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे अपना कंट्री कोड, अपने कंट्री का नेम यहाँ पर टाइप करेंगे, कुछ इस तरीके से कर लेंगे सेलेक्ट। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे अपना मोबाइल नंबर, जो फ़ोन नंबर आपने पहले टाइप किया था उसी फ़ोन नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा आ रहे हैं उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपको कैप्चा समझ में ना आए तो यहाँ पर क्लिक करोगे और आपका कैप्चा हो जाएंगे चेंज। यहाँ पर हम टाइप करते हैं इस कैप्चा को, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंड SMS। सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका है तो हमारे सामने दोबारा यहाँ से कैप्चा आएंगे, फिर से यहाँ पर दोबारा टाइप करेंगे, फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे सेंड SMS और आपके मोबाइल नंबर पर कुछ इस तरीके से चल जाएंगे कोड, जो कोड गए हैं उसी कोड को यहाँ पर एंटर करोगे, फिर यहाँ पर करोगे इसे कंटिन्यू। इसके बाद हमें यहाँ पर चूज़ करना है क्या, बेसिक सपोर्ट। हमें बेसिक क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि यह फ्री ट्रायल अकाउंट है जिसके लिए हमें एक भी रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पर बेसिक सपोर्ट ही सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर पे करना चाहते हो तो आप इसको करोगे सेलेक्ट, या फिर अगर आपको हाई क्लास का चाहिए सपोर्ट तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करोगे बिजनेस सपोर्ट में, जिसके लिए आपको पे करने होंगे $100 पर मंथ, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे कंप्लीट साइन अप। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन का डैशबोर्ड आ जाएगा और आप यहाँ पर क्लिक करोगे गो टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं हमारा ईमेल आईडी में कोई मेल आया है कि नहीं। कुछ इस तरीके से आ चुका है, वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है सक्सेसफुली। आपका वेरिफिकेशन कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, लेकिन आपको अभी फ्री ट्रायल अकाउंट नहीं मिला है, जिसके लिए आपको वेट करना होगा 30 मिनट या फिर 1 आवर तक। आपको एक मेल रिसीव होगा, तब जाके आपका अकाउंट फ्री ट्रायल के लिए एप्लीकेबल होगा। करीब 30 से 40 मिनट वेट करने के बाद आपके केस में भी कुछ इस तरीके से आएंगे मेल, योर अमेजन वेब सर्विस अकाउंट इज़ रेडी, यानी कि आपका अकाउंट अब हो चुका है सक्सेसफुली रेडी 1 ईयर के लिए। आपको 1 ईयर का फ्री ट्रायल अकाउंट मिल चुका है, अब आप इससे अपना VPS बना सकते हो। और करते हैं नीचे स्क्रॉल, साथ में और एक मेल आया है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। दोनों मेल बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपके केस में एक आ सकते हैं या फिर दो भी आ सकते हैं, इससे कोई इतना दिक्कत नहीं है। अब जाकर हम लॉगिन करते हैं अपना AWS का अकाउंट। यहाँ पर अगर सर्च करेंगे AWS, देन आप यहाँ पर क्लिक करोगे अमेजन वेब सर्विसेस, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज आ जाएंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे साइन इन टू द कंसोल, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इस पेज में आ जाओगे। अगर आप सेम डिवाइस में लॉगिन कर रहे हो या फिर सेम ब्राउज़र में जिस ब्राउज़र के थ्रू आपने अकाउंट बनाया था, तो आपके केस में यहाँ पर डायरेक्ट कुछ इस तरीके से हो जाएंगे लॉगिन। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं EC2 में, अब आपके सामने अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, अब हम एलिजिबल है EC2 इंस्टेंस के लिए। तो हम अभी सीखने वाले हैं आप किस तरीके से यहाँ पर अपना फर्स्ट VPS सर्वर बना सकते हो। हमें अपना पहला VPS सर्वर बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा लॉन्च इंस्टेंस। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे अपना सर्वर का नेम, अपने हिसाब से आप कुछ भी टाइप कर लो। फिर करेंगे नीचे स्क्रॉल, यहाँ पर अपने हिसाब से आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लोगे। यहाँ पर हम चूज़ करने वाले हैं विंडोज़। फिर यहाँ पर हमें फ्री में ये सारे मिल जाएंगे वर्ज़न। हम यहाँ पर लेने वाले वर्ज़न कौन सा, लेटेस्ट वर्ज़न। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा आप इसको चूज़ करोगे जिसका लास्ट में सिर्फ बेस लिखा हुआ हो, ना कि कोर, क्योंकि कोर वाले में ग्राफिक UI नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको हमें सेलेक्ट करना है बेस वाला। इसको कर लेते हैं हम सेलेक्ट, करेंगे नीचे स्क्रॉल, कुछ इस तरीके से करते जाएंगे। हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्या, फ्री वाला, क्योंकि हम इसी के लिए एलिजिबल है। अगर हम यहाँ पर इससे बड़ा वाला सेलेक्ट करते हैं तो हमें बिल पे करने होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आप किस तरीके से बड़े साइज का VPS बना सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर लेते हैं फ्री टायर एलिजिबल, इसको करते हैं सेलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट न्यू पेयर, फिर यहाँ पर कोई भी नेम टाइप कर दोगे, जो भी यहाँ पर टाइप करना हो अपने हिसाब से यहाँ पर टाइप कर दोगे। फिर यहाँ पर सेलेक्ट रखोगे RSA और आप यहाँ पर .PEM को
इसी को रखोगे सेलेक्ट और आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट पेयर, तो आपका पेयर यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा डाउनलोड। इसका काम बाद में आएगा पासवर्ड बनाने में, इसलिए आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद करेंगे नीचे स्क्रॉल को जिस तरीके से, आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है HTTPS का साथ में HTTP का, तो इसे आप कर दोगे चेक मार्क। फिर आप करोगे नीचे स्क्रॉल को जिस तरीके से, और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्या डिस्क, कितना GIB का आपको डिस्क चाहिए। फ्री ट्रायल के लिए मैक्सिमम कितना है 30 GB, तो यहाँ पर रखेंगे 30 GIB। इसके बाद यहाँ पर GP करोगे सेलेक्ट, हम यहाँ पर लेंगे GP3। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगे सक्सेसफुली क्रिएट। हमें यहाँ पर क्लिक करना है तो हम कुछ इस तरीके से आ जाएंगे इस पेज में। हमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम वेट करना होगा 2 से 3 मिनट, फिर हम इसको करेंगे कनेक्ट। इसके बाद हम यहाँ पर कर लेंगे इसे कॉपी, फिर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कर लोगे ऑन, यहाँ पर पेस्ट करोगे IP एड्रेस, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे कनेक्ट में। इसके बाद यहाँ पर आपसे मांगेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कनेक्ट में, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे RDP क्लाइंट, फिर करेंगे हम नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से। यूज़र नेम आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, इसे करोगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर दोगे पेस्ट। इसके बाद हमें चाहिए पासवर्ड, पासवर्ड के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट पासवर्ड, फिर यहाँ पर हम अपना फाइल अपलोड करेंगे, जो कि PR फाइल हमने डाउनलोड किया था उसी फाइल को हमें यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड प्राइवेट की फाइल, फिर अपने डिवाइस से फाइल को कर लोगे सेलेक्ट, इस तरीके से कर लोगे सेलेक्ट, फिर यहाँ पर क्लिक करोगे ओपन में, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे अपलोड। फिर करोगे नीचे स्क्रॉल, हमें यहाँ पर क्लिक करना है डिक्रिप्ट पासवर्ड, और करोगे नीचे स्क्रॉल तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा पासवर्ड, इसे करेंगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे हम पेस्ट, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे यस। तो आपका VPS यहाँ पर कुछ इस तरीके से फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली हो जाएगा कनेक्ट, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन कितना हमें मिला है। यहाँ पर अगर सर्च करेंगे टास्क मैनेजर, ये काफ़ी लेग कर रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ 1 GB रैम है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आप किस तरीके से हायर कॉन्फ़िगरेशन वाला VPS बनाओगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी AWS की मदद से। हमें कितना क्या मिला है, 1 GB के आसपास मेमोरी, 2.50 GHz का प्रोसेसर, 1 सॉकेट, 2 वर्चुअल प्रोसेसर, हमें बस इतना ही मिला है कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कोई ख़ास नहीं है, फ्री में आपको इतना ही मिलेगा। लेकिन हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आप किस तरीके से 16 GB चारकोर और अपने हिसाब का लोकेशन को चूज़ कर सकते हैं, आपको जिस भी लोकेशन में अपना VPS डिप्लॉय करना है, सारा चीज़ कंप्लीट सीखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप अपना अकाउंट नहीं बना पा रहे हो, आपको बहुत सारा अकाउंट चाहिए फ्री ट्रायल अकाउंट, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा काफ़ी चीप प्राइस में AWS का अकाउंट। या फिर अगर आप कार्ड मेथड बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, जिसे आप मल्टीपल जगह फ्री ट्रायल अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप जान चुके हो आप किस तरीके से AWS का फ्री ट्रायल अकाउंट बनाओगे, एंड अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।